हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप सिर्फ एक सिंगल लीव से भी ग्रो कर सकते हो। किस तरीके से आपको ग्रो करने हैं, कौन कौन से प्लांट हैं, छाया के, धूप के, सब कुछ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। इसलिए वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें चैनल को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। सो फर्स्ट आप मेरे सामने देख रहे हो फिलोडेंड्रोन प्लांट। ये एक वाइन होती है और फिलोडेंड्रोन की बहुत सारी वैरायटी होती हैं। इसकी सिर्फ आपको एक पत्ती लेनी है और उसके पास छोटी सी इसकी जड़ होनी चाहिए, नोड एरिया होना चाहिए। उसी से आप इसे बेल की तरह भी फैला सकते हो, स्टिक लगाकर, प्लास्टिक बोतल में, पानी में, इसे आप कहीं पर भी ग्रो कर सकते हो। काफ़ी हार्डी ये प्लांट होता है, इसे आपको छाया में रखना होता है। मैंने देखी पानी में भी ग्रो की हुई है और कितने अच्छे से इसकी रूट्स निकल आई हैं। इस तरीके से आपको इसकी एक सिंगल लीफ लेनी है। अगर आप हैंगिंग पॉट में लगा रहे हो तो आपको कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट लेना है, और अगर आप मिट्टी में लगाते हो तो भी इसी तरीके से आपको ग्रो कर लेना है। क्रैसुला में आपको पानी कम डालना होता है, ज़्यादा पानी डालने से इसकी पत्तियां गल जाती हैं। इसकी एक एक पत्ती से इसके न्यू प्लांट आप तैयार कर सकते हो, और इसे भी आपको ऐसी जगह पर रखना होता है जहाँ पर इसे सुबह की आधा एक घंटे की धूप मिल जाए बस। क्रैसुला घर में काफ़ी लकी भी माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा टर्टल वाइन जो प्लांट होता है, काफ़ी हार्डी प्लांट होता है और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। टर्टल वाइन की छोटी से छोटी कटिंग, एक एक पत्ती से आप इसको ग्रो कर सकते हो, और ये हैंगिंग पॉट में लगा हुआ काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है क्योंकि इसकी ब्रांचेस जो होती हैं नीचे की साइड फैलती हैं। और टर्टल वाइन के लिए आपको ऐसा कुछ नहीं है कि मिट्टी कैसे तैयार करें या किस तरीके से नहीं करें, ये कैसी भी मिट्टी में ईजी से ग्रो हो जाता है। इसे आप प्लास्टिक बोतल में लगा सकते हो, वेस्ट मटेरियल जैसे कि कप हो गए, इस तरीके के जैसे घर में पड़े होते हैं उनमें भी आप इसको ग्रो कर सकते हो। और इसे आप धूप में भी रख सकते हो, छाया में भी रख सकते हो, ये जल्दी से ख़राब नहीं होता है। इस पर आप पानी स्प्रे करके डालते रहोगे तो इसकी ब्रांचेस जो होती हैं बहुत ज़्यादा ग्रीन रहेंगी और सुंदर दिखेंगी। नेक्स्ट है हमारा सेंसिवेरिया या फिर स्नेक प्लांट। ये इसकी भी बहुत सारी वैरायटी होती हैं और इन्हें एक सिंगल लीफ से भी ग्रो किया जाता है। इन्हें आप कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट में ग्रो करिए तो इनकी पत्ती में से जड़ें जल्दी निकलती हैं। वैसे इनमें से कम आपको 20 से 25 दिन में जाके देखने को मिलता है कि आपका प्लांट अच्छे से ग्रो होने लग गया है। आप इसे शेड में रखिए जहाँ पर इसे सुबह की बस आधा एक घंटे की धूप मिले, उससे ज़्यादा धूप की इनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने देखिए ऊपर की साइड से लीव कट कर करके लगाकर ग्रो करके देखे हुए हैं, लेकिन अभी उनमें से रूट्स नहीं निकली हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको इसमें पानी कम डालना होता है, ज़्यादा पानी डालने से ये भी आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। इसे डेकोरेट के पर्पज़ से ज़्यादा यूज़ किया जाता है प्लांट को। नेक्स्ट है हमारा पेप्रोमियम। पेप्रोमियम की भी बहुत सारी वैरायटी होती हैं और ये वाला प्लांट देखने में बहुत सुंदर लगता है। इसकी पत्तियाँ जो होती हैं काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं ग्रीन कलर में। इसे भी आप एक सिंगल लीव से ग्रो कर सकते हो क्योंकि इसके स्टेम थोड़े मोटे होते हैं, ठीक होते हैं, तो इस प्लांट में भी आपको पानी कम ही डालना होता है। और ऐसी जगह पर रखिए जहां पर इसे सुबह की आधा एक घंटे की धूप मिले, उससे ज़्यादा इसको धूप नहीं चाहिए होती है। और ये प्लांट परमानेंटली भी कोकोपीट में ही लगाया जाता है। मैंने इसको देखिए कोकोपीट में ही ग्रो करके रखा है, और कोकोपीट में ज़्यादा देर तक पानी होल्ड रहता है, इसलिए हमें इसमें पानी बहुत ही सावधानी से डालना होता है ताकि जड़ें इसकी ना गल जाएं, और अगर जड़ें गल गई तो आपका प्लांट खराब हो जाएगा। सो नेक्स्ट प्लांट है हमारा बेबी सनरोज। बेबी सनरोज जो प्लांट होता है ये भी काफ़ी थिक सा होता है और इसकी पत्तियों में भी पहले से ही पानी स्टोर रहता है। तो आपको क्या करना है, इस प्लांट में भी पानी कम ही डालना होता है। इसके अलावा आप इसको पूरा दिन की धूप में रख सकते हो, कैसी भी मिट्टी में ईजी ग्रो हो जाएगा। अगर आपको इसके लीव्स से ग्रो करना है तो छोटी छोटी पत्तियाँ आपको लेनी है और उनको कोकोपीट में लगा देना है, और अगर आप इसकी कटिंग लगाना चाहते हो तो उनको मिट्टी में इजी ग्रो कर सकते हो। इस प्लांट पर फूल भी खिलता है, मर्जेंटा कलर का होता है, एक रेड कलर का, इसमें आपको दो तीन कलर मिल जाते हैं। और इस प्लांट को आप
हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हो, प्लास्टिक बोतल में भी लगा सकते हो, किसी भी तरीके से डेकोरेट कर सकते हो। काफ़ी हार्डी प्लांट होता है। जिस टाइम पर इसकी ब्रांचेस लंबी लंबी हो जाती हैं तो ऊपर की साइड से इनकी पत्तियाँ सूखना स्टार्ट हो जाती है, उस टाइम पर आप इनकी कटिंग भी लगा सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्लांचू। क्लांचू भी काफ़ी हार्डी प्लांट होता है और परमानेंट प्लांट होता है। मेन प्लांट हमारा बाई चांस ख़राब हो गया तो हमारा जो कटिंग हम लगाते हैं वो ग्रो हो जाती है। तो ये वाला इसका मेन प्लांट है और इधर जो रखा था वो हमारा कटिंग से तैयार किया हुआ था। इसकी एक एक पत्ती से आप इसके न्यू प्लांट तैयार कर सकते हो, क्योंकि इनके ऊपर की साइड जो ये कटिंग होती है छोटी छोटी, जैसे ही हम पूरी पत्ती को मिट्टी में लगाते हैं तो इसी इन्हीं के पास से इनके बेबी प्लांट निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। क्लांचू को भी आप पूरा दिन की धूप में रख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा पत्थरचट्टा। पत्थरचट्टा जो प्लांट होता है इसके पत्ती के ऊपर देखिए आप ये कुछ निशान बने होते हैं, तो अगर इस पत्ती को आप पूरी को मिट्टी में रख दोगे तो इसके पास से ही ढेरों प्लांट तैयार हो जाएंगे। और पत्थरचट्टा को आप पूरा दिन की धूप में रख सकते हो, कटिंग से भी तैयार कर सकते हो, इसमें भी आपको पानी कम ही डालना होता है। तो देखिए जिस जगह पर भी इसकी पत्ती गिरती रहती है इसके न्यू प्लांट खुद ही तैयार होते रहते हैं। इस तरीके से हमारे पास इसके ढेरों प्लांट तैयार हो गए हैं पत्थरचट्टा के, और इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। अगर किसी को पथरी होती है तो कहते हैं अगर इसका काढ़ा बनाकर पीते हैं तो ये पथरी को भी ख़त्म कर सकता है। काफ़ी सारी बीमारियों में पत्थर चट्टा का यूज़ किया जाता है, और हम गार्डनिंग वाले तो अपने घर में इसे डेकोरेट के पर्पस से ही रखते हैं, क्योंकि इनकी बड़ी बड़ी पत्तियाँ काफ़ी सुंदर लगती हैं देखने में। तो आप इन्हें डेकोरेट के लिए भी रख सकते हो अपने गार्डन में, या फिर इनको यूज़ भी कर सकते। सो नेक्स्ट प्लांट है हमारा जीजी प्लांट। ये प्लांट जो होता है इसके नीचे छोटे छोटे बल्ब होते हैं, तो ये बल्ब से भी तैयार हो जाता है। लेकिन अगर आप इसकी पत्तियों को भी कोकोपीट में और वर्मी कंपोस्ट में लगा देते हो तो इसकी पत्तियों में से भी न्यू प्लांट तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा इनकी पत्ती काफ़ी शाइनिंग वाली होती है अगर हम इनको साफ रखते हैं तो। इस प्लांट में भी आपको पानी कम ही डालना होता है। ज़्यादा पानी डालने की वजह से इसके जो बल्ब मिट्टी के अंदर होते हैं वो गल जाते हैं, और इसमें आपको सर्दियों में भी ध्यान रखना होता है। ये डेकोरेट के लिए यूज़ होता है क्योंकि इसको छाया में ही रखा जाता है प्लांट को। सर्दियों में इसकी पत्तियां गिरना स्टार्ट हो जाती हैं तो उस टाइम पर आपको ऐसी जगह पर रखना है जहां पर इसे 10 से 15 मिनट की सनलाइट मिल जाए, और लेकिन कोहरा इस पर बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। कोहरा पड़ने से भी ये प्लांट ख़राब हो जाता है। आप इसे छोटे पॉट में, बड़े पॉट में किसी भी तरीके से अपने अकॉर्डिंग डेकोरेट कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट ये लगता है देखने में। सो नेक्स्ट है हमारा सिल्वर पोथोस। सिल्वर पोथोस एक परमानेंट प्लांट है। अभी थोड़ी इसकी पत्तियां पीली हो जाएंगी, विंटर में डोरमेंसी रहता है, अदरवाइज तो पूरे साल आपके गार्डन में हरा भरा रहता है। आप इसको हैंगिंग पॉट में लगाइए, एक एक पत्ती से इसका न्यू प्लांट तैयार हो जाता है। तो आप इसकी अपने घर पर जितना मर्जी प्लांट लगा सकते हो। नर्सरी में ये प्लांट आपको 150 या फिर 200 तक मिलेगा। ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। करना क्या है, सिर्फ 15 से 20 दिन में आपको इसमें या तो वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद को आप पानी में भिगाकर और वो पानी भी इन प्लांट में यूज़ कर सकते हो। आधा एक घंटे की धूप चाहिए होती है इससे। इसके अलावा आपको इसमें कोई ज़्यादा हैवी फर्टिलाइज़र भी डालने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। बस पत्तियों को साफ़ रखिए, स्प्रे करके पानी डालते रहोगे तो पत्तियाँ भी साफ़ ही रहती हैं। और अगर आप अपने प्लांट की पत्तियाँ साफ़ रखती हो तो प्लांट ऐसे भी ख़राब नहीं होते, क्योंकि जो उनकी डस्ट वगैरह होती है वो सब उतर जाती है। और पत्तियों पर डस्ट बैठी रहती है तो पत्तियों के होल बंद हो जाते हैं, तो इसलिए आप कोशिश किया करें कि पत्तियों को साफ़ रखें। नेक्स्ट हमारा मनी प्लांट। मनी प्लांट भी परमानेंट प्लांट है और इसको बहुत तरीके से डेकोरेट भी किया जाता है। आप इसको पानी में लगाइए, मिट्टी में लगाइए, छाया में लगाइए, धूप में लगाइए, जल्दी से ख़राब नहीं होता। और मनी प्लांट की बहुत सारी वैरायटी होती हैं, 40 रुपीज़ से स्टार्ट होकर आपको 200-300 तक नर्सरी में देखने को मिलते हैं। ये ज़्यादातर या तो हैंगिंग पॉट में लगाए जाते हैं या फिर आप इनको किसी रस्सी की मदद से भी फैला सकते हो। मनी प्लांट को भी सिर्फ आप 15 से 20 दिन में एक बार लिक्विड बनाकर ही डालते रहिए, क्योंकि इन प्लांट को सिर्फ नाइट्रोजन ही ज़्यादा चाहिए होती है और एक एक पत्ती से ग्रो होने वाले प्लांट है। हमारा पेंसिल कैक्टस। पेंसिल कैक्टस काफ़ी हार्डी प्लांट रहता है, ज़्यादा इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये सकुलेंट्स वैरायटी होती है।
और 150 रुपीज़ का आपको नर्सरी में मिलता है, एक दो घंटे की अच्छी धूप मिल जाए ऐसी जगह पर रखिए। इसकी एक एक पत्ती से आप इसके न्यू प्लांट तैयार कर सकते हो। इसके जो स्टेम्स होते हैं यही इसकी पत्तियाँ होती हैं, ऐसे जो ग्रीन कलर की बड़ी बड़ी पत्तियाँ इस पर नहीं निकलती, ये सिर्फ इसी तरीके से पेंसिल की शेप में ही रहता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है पेंसिल कैक्टस। इसकी यही पत्तियाँ हैं, यही स्टेम्स है, इसके सब कुछ यही है, बहुत ही प्यारा प्लांट है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर से कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।